लंबाई 320 मीटर बढ़ाई जा रही है और इसका कार्य प्राधिकरण ने किया मध्य उत्तर अंडमान जिले का दौरा पूरा कर लिया जाएगा जिस पर और प्राधिकरण द्वारा मगरमच्छ हमले को रोकने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाने का निर्देश वाले डॉर्नियर विमान भी और अंडमान निकोबार कमान द्वारा वायुयान सुरक्षा सम्मेलन का उपराज्यपाल ने सरकारी विभागों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कल मध्य उत्तर अंडमान जिले का दौरा किया। मायावंदन में राज्यपाल ने डॉक्टर आरती अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत की। मरीजों से उन्होंने अस्पताल द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। उसके बाद उपराज्यपाल महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायावंदन गए और वहाँ पर प्राचार्य और सरकारी सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षण सरकारी सदस्यों की कमी सहित कॉलेज के सुधार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान उपराज्यपाल ने उन्हें जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। गुंटूर में रह रहे स्थानीय समूह के लिए उपराज्यपाल ने मध्य उत्तर अंडमान के उपायुक्त को जल्द से जल्द स्थायी व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन लोगों ने उपराज्यपाल को आश्वासन दिया कि वे फुटपाथों पर अतिक्रमण नहीं करेंगे और क्षेत्र को साफ सुथरा रखेंगे। बाद में मायावंदन गेस्ट हाउस में पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ उपराज्यपाल ने बैठक की। उन्होंने महसूस किया कि मध्य उत्तर अंडमान जिले के लोगों की समस्याओं के प्रति प्रशासन को अधिक उत्तरदायी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के सचिवों को जिले के लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान के लिए जिले का नियमित दौरा करने निर्देश देंगे। प्रशासन ने डिग्लीपुर में मत्स्य अवतरण केंद्र दुर्गापुर का उद्घाटन किया और स्थानीय मछुआरों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत भी की। उपराज्यपाल के साथ वित्त शासन के मुख्य सचिव आनंद प्रकाश भी थे। द्वीपों के उपराज्यपाल और जरूरी सुधार लागू नहीं कर पाए के कारणों की जानकारी देने के लिए कहा है। अदालत ने कुछ महीने ने एक्शन प्लान तैयार करने और सप्ताह के भीतर उसे प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया। उपराज्यपाल ने हाल ही में श्री लीपक दास पर हुए हमले के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्री दास इस हमले में घायल हो गए थे। प्रशासन उनके चिकित्सा इलाज के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। उपराज्यपाल ने लीपक दास को बचाने में मंगलूटान के ग्रामीणों द्वारा दिखाई गई बहादुरी की प्रशंसा की है। प्रशासन उन्हें उचित इनाम प्रदान करने पर विचार करेगा।